प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को आगामी मौसम से दिया जाएगा प्रति मानक बोरा 2500 रुपए, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का हुआ शुभारंभ, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन होंगे। कांकेर के पानी डोबरी से 4 माओवादी मददगार गिरफ्तार, 3 भरमार बंदूक और विस्फोटक सामग्री बरामद। और बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में छत्तीसगढ़ टीम की पहली पारी 110 रन में सिमटी, मैच का आज तीसरा दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश के 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को आगामी मौसम से पारिश्रमिक दर प्रति मानक बोरा 2500 रुपए दिया जाएगा, यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने की है। वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 1800 रुपए प्रति मानक बोरे की दर से पारिश्रमिक दी जाती है। धमतरी में आयोजित बोनस तिहार के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदुपत्ता की पारिश्रमिक दर बढ़ने से प्रदेश की 901 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के रूप में शामिल 13 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार धान के बोनस के साथ साथ तेंदुपत्ता श्रमिकों और शक्कर कारखानों में गन्ना बेचने वाले किसानों को भी बोनस दे रही है। उन्होंने धमतरी नगर निगम के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि देने और रुद्री गांव के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान में 3 नए ब्रांच शुरू करने का ऐलान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संकल्प से सिद्धि के तहत धमतरी जिले के विजन डॉक्यूमेंट की डिजिटल पुस्तिका का भी विमोचन किया। रायपुर के शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय परिसर में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है, यहां विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस ऑडिटोरियम का शुभारंभ किया। 48 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस ऑडिटोरियम का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि उच्च गुणवत्ता, शानदार लाइट और साउंड सिस्टम की व्यवस्था के साथ ही सुविधाजनक वातावरण में तैयार ये ऑडिटोरियम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की कल्पना को राज्य सरकार साकार कर रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में ऐसे एक ऑडिटोरियम की बहुत जरूरत थी। रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता युक्त मल्टीपर्पस ऑडिटोरियम का आज लोकार्पण हुआ। विशेष बात यह है कि आज ही के दिन 2 साल पहले इसका भूमि पूजन हुआ था और 2 साल में इतना शानदार ऑडिटोरियम निर्माण इसका पूरा हो चुका है, अलग अलग सुविधाओं से युक्त। और इसका बाहर का लुक जितना खूबसूरत है, अंदर उतना ही सुविधाजनक है। छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम अलग अलग व्यवस्था के अनुसार, और बड़ा हॉल जो सेंट्रल जो बना है 1500 सीट का, इसमें राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अच्छे जो नाटक, नाट्य और संगीत का कार्यक्रम हो सकता है। तो इसकी कमी थी और मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव का विषय होगा। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले इस ऑडिटोरियम को देखने के लिए दूसरे प्रदेश के लोग भी यहां पहुंचेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम के बाद आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड सिंगर और गजल गायक पंकज उधास ने अपनी प्रस्तुतियां दी। गाने के साथ साथ उन्होंने जुगलबंदी भी पेश की। अच्छा लगता
पंकज उदास की गायकी ने देर तक समा बांधे रखा। कांकेर जिले के पानी डोबरी क्षेत्र से माओवादियों की मदद करने के आरोप में चार ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से तीन भरमार बंदूक और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 35वीं बटालियन और जिला पुलिस बल के जवान क्षेत्र के सर्चिंग में निकले हुए थे। इसी दौरान अलपरस के जंगल में चार संदिग्ध ग्रामीण नजर आए। सुरक्षा बलों ने इन युवाओं से जब पूछताछ की तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे माओवादियों की मदद करते थे। यह ग्रामीण गांव के बारे में माओवादियों को पूरी जानकारी देते थे। पुलिस के अनुसार कई माओवादी वारदातों में इन ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका भी रही है। बीएसएफ की टीम ने इन आरोपियों को कोयलीबेड़ा थाने में सौंप दिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सही नहीं है ये, अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए मैडम। क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। सही नहीं है ये, अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए मैडम। क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि वर्ष 2013-14 में शुरू हुई आर्थिक मंदी का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% के आसपास और अगले वित्त वर्ष में 7.5% के आसपास रहने की संभावना जताई है। दुर्ग के कुम्हारी के पास सांकरा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना अखिल भारतीय गायत्री परिवार ने की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस विश्वविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गायत्री परिवार देश और समाज में भारतीय संस्कृति के अनुसार वैचारिक क्रांति लाने में उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है। बैकुंठपुर के खड़ा ग्राम पंचायत में आदिवासी सांस्कृतिक और संवैधानिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी एक समान के बैनर तले आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। इस मौके पर आदिवासियों को संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। रायपुर में ग्रामोद्योग एम्पोरियम शुरू हो गया है। ग्रामोद्योग मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने इसका शुभारंभ किया। पंडरी के सिटी सेंटर मॉल में शुरू किए गए इस एम्पोरियम में हस्तशिल्प, हथकरघा, माटी कला और खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग के विभिन्न उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध है। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की सामग्रियों की खरीदी पर 24% की छूट भी दी जा रही है। विश्व मानक दिवस के मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो की रायपुर इकाई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें निर्धारित थीम
मानव बनाते शहरों और स्मार्ट विषय पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के निदेशक डॉक्टर ए एम रवानी थे। अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस के अवसर पर रायपुर में एक रैली निकाली गई। इस मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साहू भी उपस्थित थी। रैली में प्रेरणा विद्यालय के बच्चे शामिल हुए। इस विद्यालय का संचालन शासकीय दृष्टिबाधित और मूक बधिर विद्यालय और नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड की ओर से किया जा रहा है। विश्व हाथ धुलाई दिवस के मौके पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर भिलाई और राजनांदगांव में बच्चों को स्वच्छता का संदेश देते हुए बीमारियों से दूर रहने के उपाय बताए गए। स्कूली बच्चों को हाथ धुलाई का तरीका सिखाया गया और इससे होने वाले फायदे भी बताए गए। बालोद के दली राजा में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में विभिन्न जिलों के 400 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। समापन समारोह में पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। दो दिवसीय इस स्पर्धा को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी पहुँचे थे। भिलाई में रहने वाले टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक प्रेमराज जावक को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। श्री जावक को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ने थाईलैंड ओपन टेबल टेनिस 2017 के लिए निर्णायक चुना है। यह स्पर्धा 18 से 21 अक्टूबर तक थाईलैंड के सुफानबुरी शहर में खेली जाएगी। इस स्पर्धा में 42 देश भाग लेंगे। हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन भ्रमण पर नया रायपुर आए पंचायत प्रतिनिधियों को तृतीय लिंग समुदाय के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान पंच और सरपंचों को तृतीय लिंग समुदाय से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ हल करने का संदेश दिया गया। इस मौके पर बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर चांपा जिले के करीब 400 पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। आइए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पेट्रोलियम पदार्थों में लागू वैट टैक्स कम नहीं करने के विरोध में किया गया। रायपुर के राजीव गांधी चौक में पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन में भूपेश बघेल, धरेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा सहित कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार अगर वैट कम करे तो आम जनता के साथ साथ किसानों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार पर वैट दर कम करने का दबाव बनाया जाएगा। बिलासपुर और दुर्ग में भी कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। कल धनतेरस है, इसी के साथ 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव के पर्व दीपावली की शुरुआत हो जाएगी। मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन आभूषण, वाहन और बर्तनों की खरीदी को शुभ माना जाता है। इसे देखते हुए प्रदेश के बाजारों में भी रौनक बढ़ी है। सराफा बाजार की दुकानों में कल बड़ी मात्रा में खरीदी की उम्मीद से व्यापारी भी खुश हैं। लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदने को शुभ मानते हैं। इसे देखते हुए ऑटोमोबाइल के दुकानों में भी नई नई तकनीक की गाड़ियां खरीदी के लिए उपलब्ध हैं। कपड़े और मिठाइयों के दुकान में भी भीड़ बढ़ी है। माना जाता है कि कल के दिन ही आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों और आयुर्वेद चिकित्सकों को भगवान धन्वंतरी की जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान विश्व को भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक देन है। बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में छत्तीसगढ़ टीम की पहली पारी 110 रन में सिमट गई है। नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आज तीसरा दिन था। बंगाल के 529 रनों का पीछा करते हुए छत्तीसगढ़ की टीम अधिक देर तक टिक नहीं सकी। छत्तीसगढ़ की टीम बंगाल के विशाल स्कोर के सामने 333 रनों से पिछड़ गई है। बंगाल के अशोक डिंडा ने 7 विकेट लिए, वहीं मोहम्मद शामी को 2 विकेट मिले। समाचार लिखे जाने तक फॉलो ऑन करते हुए छत्तीसगढ़ की टीम ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 86 रन बना लिए थे। अभिमन्यु चौहान 40 और आशुतोष 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। 44वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बास्केटबॉल स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने रजत पदक जीता, वहीं बालक वर्ग ने कांस्य पदक हासिल किया। राजस्थान के डिंडवाना में आयोजित इस स्पर्धा के बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की टीम आमने सामने रही।
संघर्षपूर्ण मैच का रोमांच अंत तक बना रहा। अंतिम क्वार्टर मुकाबले में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी और अंत में तमिलनाडु ने 88-87 अंक से मैच जीत लिया। वहीं बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ ने उत्तर प्रदेश को 51-48 अंकों से पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से राज्य की सब जूनियर बालिका टीम ने 17 में से 16 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का गौरव प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ की बालिका टीम 14 बार राष्ट्रीय विजेता बनी है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ।